Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh mafradhu. So today we are going to discuss about introduction to pragmatics by English schooling one. तो सबसे पहले तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको शेयर करें, लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप अवेल कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक? इट इज़ कंसर्न्ड विद मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, कि इसकी जो स्टडी है वो जो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट का आपको पता है, कॉन्टेक्स्ट उसे कहते हैं जो सियाको सबाक. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई दोस्त, आप दो दोस्त आप आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कुछ जो है ना हिडिंग वर्ड्स होते हैं, हिडन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सीक्रेट वर्ड्स होते हैं जो आप आपस में, मतलब कि आप ग्रुप में बैठे होते हैं लेकिन आप आपस में जो है ना उस उन वर्ड्स के ज़रिए जो है ना आप एक दूसरे के साथ मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं. ठीक है, और वो जो आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सिर्फ आपको पता होती है, बाकी जो लोग बैठे होते हैं, जो अननोन होते हैं या आपके दूर के फ्रेंड होते हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता. ठीक है, वो जो आपके कोड वर्ड्स होते हैं ना जिनको आप, मतलब कि वो वर्ड्स जिनकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास और आपके दोस्त के पास है. ठीक है, लेकिन जब आप उनको बात कर रहे हैं वो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन जो दूसरे जो हैं उनके लिए वो अननोन है. ठीक है, उनको नहीं पता कि आप कौन से वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम उर्दू में बात करते हैं सियाको सबाक की, तो उसमें एक आपको पता है कि पैराग्राफ दिया जाता है. ठीक है, वे एक लेसन से, एक स्टोरी से आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें वो कहते हैं कि आप इसका जो ना कॉन्टेक्स्ट लिखें, इसका सियाको सबाक इसका बयान करें. तो सियाको सबाक आपने फिर इस तरह बयान करना होता है कि वो जो एक पैराग्राफ दिया होता है तो सबसे पहले आपने बताना होता है कि ये फ्रंट से लिया गया है, मिडल से लिया गया है या एंड से लिया गया. ठीक है, अगर वो आप वो जो गिवन पैराग्राफ जो होता है अगर वो मिडल से लिया गया है तो फिर आपने सियाको सबाक उसका ये बताना है कि वो अगर मिडल से लिया गया है तो उसका जो फ्रंट है वो क्या है. ठीक है, और उसके बाद जो उसका एंड वाला जो उसका जो उसका जो बॉडी है वो क्या है. ठीक है, एंड वाला हिस्सा और फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो आपने बताना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सियाको सबाक. ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी इनविजिबल मीनिंग जो होता है, इनविजिबल मीनिंग, ठीक है, जो हिडन मीनिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं कि प्रैग्मेटिक्स. अगर इट इज़ अ स्टडी ऑफ मीनिंग एज कम्युनिकेटेड बाय द स्पीकर एंड इंटरप्रेटेड बाय द लिसनर. ठीक है, एक जो स्पीकर है वो आप बात कर रहा है उससे, लिसनर से जो सुन रहा है, अब वो उस पे डिपेंड कर रहा है तो उसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहा है, उसको किस तरह वो कैरी कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मिसाल दे सकते हैं कि अगर आप घर में हैं तो आपके अब्बू आपसे पूछते हैं कि टाइम क्या हो गया. ठीक है, व्हाट टाइम इज़ इट, तो आगे से आप कहते हैं कि नहीं अभी तक जो है ना वो न्यूज़ का टाइम नहीं हुआ, न्यूज़ हेडलाइंस का. ठीक है, तो न्यूज़ हेडलाइन आपको पता है कि वो रात 9 बजे लगती हैं. ठीक है, तो वो समझ जाएंगे कभी 9 नहीं बजे. ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, इनविजिबल मीनिंग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स. तो काइंड्स और टाइप्स ऑफ प्रैग्मेटिक्स, अब इसकी जो काइंड्स और टाइप्स जो हैं इसकी वो दो हैं, एक है थ्रेटिकल प्रैग्मेटिक्स और एक है सोशल प्रैग्मेटिक्स. तो थ्रेटिकल प्रैग्मेटिक्स वो होती है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग, जो एक खास स्पेसिफिक एस्पेक्ट होता है ना, एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेटिकल प्रैग्मेटिक. आपको पता है कि सबसे पहले हाइपोथेसिस होता है जिसमें आप रिसर्च करते हैं, और जब वो रिसर्च प्रूव हो जाती है वो क्या बन जाती है, वो एक थ्योरी बन जाती है. ठीक है, तो थ्रेटिकल प्रैग्मेटिक्स ये होते हैं कि इनके लिए आपको सबसे पहले तो एजुकेट होने पर पड़ता है, ये आपको मतलब कि इनके लिए ख़ास मेहनत करना पड़ती है आपको थ्रेटिकल प्रैग्मेटिक्स जानने के लिए. ठीक है, क्योंकि प्रैग्मेटिक्स में आपके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए, अगर आपके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपके पास नॉलेज नहीं है, मतलब आप प्रैग्मेटिक्स का मीनिंग आप नहीं समझ सकते. ठीक है, जैसे दो दोस्त होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, ग्रुप में बैठे होते हैं, क्लास में बैठे होते हैं. ठीक है, तो जिस सेंस से वो बात कर रहे होते हैं उसका, और उसी सेंस से जिस जैसे उसका दोस्त उसके वो बातें सुन के हंस रहा होता है या उसको कैरी कर रहा होता है, तो बाकी जो उसके क्लास फेलोज होते हैं वो उस तरह उसको कैरी नहीं करते. ठीक है, तो इसको इनविजिबल मीनिंग हम कहते हैं. ठीक है, तो एक जैसे पहले हमने बात की थी सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि जो लिटरल मीनिंग होता है, बिल्कुल जो आपने वर्ड्स अदा किए हैं, जो आपने एक सेंटेंस बोला है उसका जो मतलब लिटरल मीनिंग है ना, वही मीनिंग है उसका हो सकता है. लेकिन इसका जो ये जो प्रैग्मेटिक्स होती है इसमें ऐसा नहीं होता. ठीक है, इसमें आपका जो हिडन मीनिंग होता है, मतलब आपने वो सेंटेंस तो आपने बोल दिया लेकिन इसके पीछे जो मीनिंग है ना वो और है, असल मीनिंग जो इसका और है, जो बात की गई है वो नहीं है. ठीक है, तो थ्रेटिकल मीनिंग होता है, थ्रेटिकल प्रैग्मेटिक्स में होता है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग, जो एक खास
जो होता है मीनिंग का जो एक ख़ास शक्ल होती है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेटिकल प्रेगमेटिक, ठीक है, जो थेरीज से रिलेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद सोशल प्रेगमेटिक, इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग, ठीक है। इसमें जो है ना, अब इसमें जो आप थ्रेटिकल प्रेगमेटिक्स हैं, इसमें ये हो सकता है कि ये जो आपके जो मीनिंग है वो सिर्फ थ्रेटिकल हो सकते हैं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, ख़ास उसका मीनिंग हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई आप बात करते हैं, उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बात करें, कोई दोस्त आपसे बात कर ले तो आप उसको कह रहे होते हैं कि तुम जिस सेंस में बात कर रहे हो ना मुझे पता चल रहा है, ठीक है, तुम जहाँ से बोल रहे हो मुझे पता चल, इस तरह के बहुत सारे जो है ना सेंटेंसेज हमें इस तरह के बहुत सारे डायलाग सुनने को मिलते हैं, और हम खुद भी कहते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड्स के या एक बात के बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन थ्रेटिकल प्रेगमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, इसमें एक से पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट होता है ना मीनिंग का, बस वही होता है। लेकिन सोशल प्रेगमेटिक्स में क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग, ये जो मुख्तलिफ बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं मीनिंग के, उस पर डिपेंड कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सोशल सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में जो कोड वर्ड्स हैं आप कुछ और यूज़ कर रहे हैं, दूसरे घर वाले कोई और वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आप कह देते हैं, मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसी के घर में कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो अब वो इस तरह अपने एक दूसरे के साथ मतलब कि वो अशारे कर रहे होते हैं, जस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, जाओ तुम सामान ले आओ, अम्मी को बुला लाओ, अबू को बुला लाओ, ठीक है। इस तरह के जो जेस्चर होते हैं, जो कोडिंग होती है ना, इसको हम भी इस सेंस में ले सकते हैं सोशल प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। तो वैसे वो शो नहीं कर रहे होते, वो उनके जो हिडन मीनिंग्स होते हैं, इनविजिबल मीनिंग जो होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, कन्वे कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सोशल प्रैग्मेटिक। आगे रिलेटेड फील्ड्स ऑफ प्रैग्मेटिक्स, ठीक है, इससे मिलती जुलती जो फील्ड्स हैं इसकी प्रैग्मेटिक्स की, वो कौन सी हैं। सबसे पहले प्रैग्मा लिंग्विस्टिक, ठीक है, उसके बाद सोशो प्रैग्मेटिक्स है, उसके बाद अप्लाइड प्रैग्मेटिक्स है, ठीक है। तो प्रैग्मा लिंग्विस्ट, इट डील विद स्टडी ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर रियलाइजिंग स्पीच इंटेंशन एंड द लिंग्विस्टिक्स आइटम यूज टू एक्सप्रेस दीज इंटेंशन, इट इज स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ इलोकेशन इन ए लैंग्वेज, ठीक है। प्रैग्मा लिंग्विस्टिक वो होती है कि जिसमें आप इलोकेशन का मतलब होता है कि कोई भी आप इलीगल वर्ड्स जो होते हैं ना वो आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कि लॉजिकली बड़े इलॉजिकल होते हैं, बड़े आउट प्रांग से जो है ना वर्ड आप यूज़ कर रहे होते हैं सिर्फ अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, ठीक है। तो इस किस्म की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रैग्मा लिंग्विस्टिक। अगर ऊपर वो बात करें, इट डील विद स्टडी ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर रियलाइजिंग स्पीच इंटेंशन, मतलब कि ऐसी हिकमत अमली कि जो आपकी स्पीच की जो इंटेंशन हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए, उसको महसूस करने के लिए जो आप हिकमत अमली बनाते हैं उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रैग्मा लिंग्विस्टिक। एंड द लिंग्विस्टिक आइटम यूज टू एक्सप्रेस दीज इंटेंशन, और ये जो लिंग्विस्टिक आइटम्स होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं यही जो इंटेंशन होती है उनको जाहिर करने के लिए, मतलब जो वर्ड आप यूज़ कर रहे होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए ये इंटेंशन इस्तेमाल की जाती हैं या लिंग्विस्टिक आइटम्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। आगे सोशो प्रैग्मेटिक्स, इट डील विद स्टडी ऑफ द सोशल कंडीशंस गवर्निंग लैंग्वेज यूज, ठीक है, ये जो सोशल कंडीशन होती है, ठीक है, उसमें जो लैंग्वेज गवर्न कर रही होती है, जो एलाइड लोगों की होती है जो लैंग्वेज होती है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सोशो प्रैग्मेटिक्स, ठीक है, कि मतलब जो एलीट क्लासेस जो हैं वो किस तरह आपस में कोड वर्ड यूज़ करते हैं, किस तरह के इनविजिबल मीनिंग्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद मिडिल क्लास आ जाती है, उसके बाद फिर लोअर क्लास आ जाती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, ये सारे सोशल कंडीशन जो होती है ना गवर्निंग लैंग्वेज यूज़ के, वो लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करती हैं, तो उसकी जो स्टडी होती है वो सोशो प्रैग्मेटिक होती है, ठीक है। तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक की हम लोगों ने बात नहीं की, अप्लाइड प्रैग्मेटिक्स की, इसको हम आगे फर्दर जो है डिटेल में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।